हेलो एवरीवन, मैं अभी अपना ड्राइविंग का टेस्ट देने जा रहा हूँ जो कि यहाँ का मेरा फर्स्ट टाइम मैं जीवन दूंगा। लेकिन क्योंकि मेरे पास इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस था और साथ में मैंने एक्सट्रैक्ट भी मंगा लिया है, तो मेरे को सीधे जीवन के बाद जी देने का ऑप्शन मिलेगा। तो एक्चुअली यहाँ पे 3 टेस्ट होते हैं, G1, G2 एंड देन G। तो जीवन के बाद आपको 1 साल का वेट करने पाता है टू गिव द एडवांस ड्राइविंग टेस्ट, हाईवे टेस्ट, दैट इज G एंड इट इज़ द फाइनल लाइसेंस। तो वो मेरे को तुरंत मिला। तो अभी मैं फर्स्ट को का जीवन देने जा रहा हूँ जो कि कंप्यूटर टेस्ट होता है। तो लेट्स गो विद मी एंड सी कि क्या प्रोसीजर है, कैसा होता है, क्योंकि मैं भी अभी मेरे को कुछ आइडिया नहीं है। तो बस मैं एक ड्राइविंग टेस्ट सेंटर जा रहा हूँ और मैं वो दूंगा। सो आई जस्ट वॉन्ट यू गाइज टू बी विद मी एंड सी द जर्नी ऑफ कैरिंग। और मैं अभी यहाँ पे डॉन वैली नॉर्थ एक टोयोटा का शोरूम है, इसके पास से मैं बस ले रहा हूँ 24 जो कि मुझे ड्राइविंग टेस्ट पर लेके जाएगी। तो वो मेरी बस आ रही है सामने 24। मेरा आउटफिट आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। मैं आज ऐसी जैकेट इसलिए पहना हूँ क्योंकि आज का टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं है, मेरे ख्याल से 2 या 3 डिग्रीज है विच इज़ बेरेबल। सो इसलिए आज हमने अपनी विंटर जैकेट्स रख के नॉर्मल जैकेट्स पहनी है। और यहाँ के बस स्टॉप, बाय द वे, यहाँ के बस स्टॉप ऐसे होते हैं क्योंकि अपनी बर्फ़ काफ़ी गिरती है, तेज़ हवा होती है, तो ये हर जगह उन्होंने ऐसे कांच का बना रखा है इन विच यू कैन स्टे एंड वेट फॉर द बस। बस इसने यहाँ पे ये कार्ड होता है प्रेस्टो का जो कि टैप करते हैं, तो मैंने मंथली पास ले रखा है तो मेरा फ्री है। और अब मैं बस पे बैठ गया हूँ गाइस। सो मैं अब अपने टेस्ट का थोड़ा प्रिपेयर कर रहा हूँ ऑनलाइन, क्योंकि कुछ एप्लीकेशंस हैं उनका मैं लिंक आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो वो एप्लीकेशन से मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो अब मैं थोड़ा टाइम प्रिपेयर कर लेता हूँ क्योंकि ये $158 का मेरा टेस्ट है और अगर मैं नहीं कर पाया तो मुझे $15 और दे के रीअटेम्प्ट करना पड़ेगा। एंड रीअटेम्प्ट में कोई दिक्कत नहीं है, आप निकलते साथ दोबारा भी घुस के दे सकते हो, तो इट्स नॉट दैट हार्ड। लेकिन हाँ, इट कॉस्ट यू $15। सो लेट्स जस्ट गो देयर एंड सी हाउ इट गोज। एंड गाइस, वो रहा ड्राइव टेस्ट, अगर आपको दिख रहा हो तो वही है गाइस। चलिए लेट्स गो। सो गाइस, अब हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे और वो सामने रहा गुड लाइफ फिटनेस आपको दिखाई दे रहा है, उसके जस्ट नीचे ही है। तो ये विक्टोरिया टेरेस सर्कल है, यहाँ पे काफ़ी सारी शॉप्स वगैरह है। यहीं पर इन्होंने ड्राइव टेस्ट का अपना खोल रखा है, तो यहीं पर ही हम लोग आए हैं। मेरे को अपने घर से आने में करीबन 1.5 घंटा लगा था और बढ़िया है, मैंने काफ़ी प्रिपरेशन कर ली है। लेकिन एग्ज़ाम से पहले प्रिपरेशन कम ही लगती है, तो लेट्स सी कैसा रहता है, वरना फिर कोई दिक्कत नहीं है, वापस से उसके $15 दे के रीटेस्ट ले लूँगा। और हाँ, क्योंकि मैं लाइसेंस होल्डर हूँ इंडियन, तो शायद मुझे देखना पड़ेगा कि जब मैं जीवन दूँ उसी टाइम पे मैं अपना लाइसेंस दे दूँ, दोनों अपना इंडियन लाइसेंस दे दूँ, एक्सट्रैक्ट दे दूँ और अपना इंडियन ड्राइविंग, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट भी शायद, क्या पता लोग ले, तो मैं वो भी प्रोवाइड उन लोगों को करूँगा। तो देखते हैं फिर। चलिए, वहाँ पे पहले इंग्लिश में लिखा हुआ है और उसके बराबर में फ्रेंच में लिखा हुआ है, तो मुझे पता है फ्रेंच में क्या लिखा है वो ड्राइव टेस्ट। आई नो, मुझे आती है फ्रेंच बोलने। ओके गाइस, सो विश मी लक एंड आई विल जस्ट गो एंड गेट सी द एक्सपीरियंस एंड विल शेयर इट विद यू। सो बस मुझे अपने बेस्ट विशेस दीजिए और किसी को कुछ क्वेश्चन हो तो मुझे पूछ लेना, क्योंकि मैं एग्ज़ाम देख के काफ़ी कुछ पता चल जाता है यहाँ का। लेट्स सी। Yeah, it says it's full, right? When you register? Yeah, if it says it's full, you have to come back another day, okay? Okay, next, please, how can I help you guys? How many minutes? It's 2 hours. 2 hours, so when you get down to the last one, you're going to get text mark. So guys, here's my drink, mango dragon fruit, रिफ्रेशर, और साथ में मैं घर से थोड़ा ये गार्लिक ब्रेड विद ग्रीन चीज़ लाया था, तो डोंट लुक एट इट, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है मुझे बढ़िया है। बाय द वे लेट मी जस्ट गिव यू नाइस अमेजिंग। और ये बाय द वे बड़ी महंगी है, ये $5.5 की इज एक्सपेंसिव, बट ठीक है। आई हैड अ गिफ्ट कार्ड तो मैंने वो यूज़ करा है। लुक एट द व्यू ऑफ देयर, गाइस मेरा फिर अभी नंबर आ गया, मेरे को टेक्स्ट मैसेज आया कि हाफ एन आवर में मेरे को बुला रहे हैं वो लोग, तो मैं अंदर जाके मुझे वेट करना है ताकि तो मुझे बुलाएं। तो मैंने ड्रिंक ले ली थी, सामने स्टारबक्स था, तो अब मैं जा रहा हूँ उधर और देखते हैं कैसा रहता है। कोड स्कैन के लिए दे रखे हैं, तो आपको इनको स्कैन करके यहाँ पे अपना अपॉइंटमेंट बुक कराना होता है, एंड देन फिर यू गेट द अपॉइंटमेंट ऑनलाइन एंड यू गेट द टेक्स्ट मैसेज कि आपको कितना आपका वेट टाइम है, कुछ है। वॉक इन यहाँ पे जनरली नहीं होता है, तो इनको आप स्क्रीनशॉट लेके कर सकते हो। और ये टोरंटो ईस्ट में है ये, सो यही है पूरा मार्कम स्कार्पियो का एक इकलौता ड्राइव टेस्ट सेंटर। तो चलिए मैं चलता हूँ, टेस्ट क्लियर हो गया है। ये मेरे को टेम्प्रेरी लाइसेंस मिला है और जो मेरा कार्ड है 2-3 हफ्ते में आ जाएगा। और ये साइंस वाला होता है ना, वो 20 क्वेश्चंस थे, उसमें से मेरे 18 सही गए, मतलब हमें 4 सिर्फ गलत हम कर सकते हैं आउट ऑफ 20। तो मेरा साइंस वाला तो बहुत आसान था, लेकिन रूल्स वाला वो थोड़ा मेरे को मुश्किल लगा। लेकिन ये था कि वो भी हो गया, मेरे 3 उसमें गलत लगे गए। मैंने लोग देखे जो बार बार रीअटेम्प्ट दे रहे थे, एंड दे वर पेइंग अराउंड $16 और फिर वो वापस जाके रीअटेम्प्ट कर रहे थे। तो डजेंट मैटर आप उसमें पास होते हो या नहीं, बट हाँ आप उसे री अटेम्प्ट दे सकते हो जितनी बारी आप चाहो। सो गाइस अब मैं ड्राइविंग टेस्ट देने के बाद नोफील्ड आया हूँ। थोड़ा कुछ सोचा हूँ, मटन वगैरह ले लूँ बिरयानी बनाने के लिए, तो वही मैं आया हूँ। बाकी यहाँ पे मटन काफ़ी बढ़िया मिलता है नोफील्ड्स पर, और सस्ता भी मिलता है। इनफैक्ट चिकन वगैरह भी काफ़ी अच्छा मिलता है, तो हम देखते हैं। सो यार अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे फ्रेश कट मीट नहीं है, सिर्फ फ्रोज़न वाला है, तो फ्रोज़न वाला तो क्या ही लेना है, वो बढ़िया नहीं होता। तो मैं दूसरी जगह जा रहा हूँ क्योंकि बाहर शहर मुझे मिल जाए, बट यहाँ पर तो नहीं है। ओके गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जस्ट सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन, एंड यू कैन कमेंट इफ़ यू लाइक टू आस्क मी एनीथिंग about the driving test, you can do it. Bye, take care.